दोस्तों इतनी ज़्यादा भीड़ है कि नीचे उतरने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है, तो आदमी कैसे वॉशरूम जाएगा और कैसे गेट पे जाएगा आप सोच ही सकते हैं। तो मैं अभी स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो ट्रेन यात्रा होने वाली है वो 22905 जो कि ओखा से चलकर शालीमार को जाती है उसमें होने वाली है, लेकिन जो मेरी यात्रा होने वाली है वो अहमदाबाद से शालीमार तक की होने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं इस ट्रेन में मैं कितने स्टेशन कवर कर पाता हूँ, क्या है, बहुत लंबी जर्नी है दोस्तों, लगभग 30-35 घंटे की जर्नी है। देखते हैं इसमें कितना समय लगता है, क्या लगता है, ट्रेन कितने घंटे लेट होती है। अभी तो ट्रेन फिलहाल टाइम से चल रही है और मैं अहमदाबाद स्टेशन में लगभग 4 बजे के करीब आ चुका हूँ और मेरा S4 में 30 नंबर सीट है दोस्तों। तो इसके बाद देखते हैं, गर्मी भी इतनी प्रचंड है कि देखते हैं क्या करते हैं स्लीपर में, ये संघर्ष कैसा रहता है देखते हैं आपको इस सफ़र में मैं दिखाऊंगा। S4 में 30 नंबर मेरी सीट है जो कि अब देखते हैं। ये ट्रेन पहले ICF रैक के साथ चलती थी, अभी भी ये ट्रेन ICF रैक के साथ ही चलती है और इसको अभी अपग्रेड नहीं किया गया है, इसीलिए अब देख साप्ताहिक ट्रेन है, अभी इसका कोई उतना डिमांड नहीं है, इसी के कारण इसको अपग्रेड नहीं किया गया, नहीं तो ये अपग्रेड हो जाता। और ट्रेन के बारे में आपको बताता चलूँ तो यह ओखा के चलने के बाद द्वारका, सुरेंद्रनगर, फिर उसके बाद विरमगाम होते हुए अहमदाबाद, इसके बाद जो है आपका वडोदरा, सूरत, नागपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, टाटानगर होते हुए फाइनली शालीमार को चली जाएगी सुबह 3:30 बजे तीसरे दिन। तो दोस्तों बहुत लंबा समय है, देखते हैं स्लीपर में कैसे क्या होता है और आगे आपको इस जर्नी का हाल मैं देता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल AM7 Vlog को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो फाइनली हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है, अहमदाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पे हमारी ये ट्रेन आ रही है 22905। अनाउंसमेंट हो चुका है, देखते हैं कब तक आ रही है। अभी टाइम हुआ है तकरीबन 5:16 और इसका टाइम है 5:30 पर। आई थिंक ये ट्रेन बिफोर आ जाएगी, इसीलिए अभी अनाउंसमेंट हुआ है, देखते हैं ट्रेन कितने देर में आती है। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन का आगमन हो चुका है प्लेटफॉर्म संख्या 6 पे। तो इसी कोच में मेरा रिजर्वेशन है जिसका S4 है, S4 के 30 नंबर सीट पे मेरा बर्थ है, देख लीजिए दोस्तों S4, यही जो कोच है इसी में मेरा रिजर्वेशन है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और S4 में मेरा रिजर्वेशन है जो कि सीट क्रमांक 30 पे है,
और भीड़ इतना ज़्यादा है कि क्या बोले दोस्तों, गर्मी में और स्लीपर कंपार्टमेंट में इतना ओवर क्राउडेड होना, क्या बोले दोस्तों, जिसकी सीट है वेटिंग लिस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि क्या किया जाएगा दोस्तों। मजबूरी में तो यात्रा करनी पड़ेगी, ट्रेनों की संख्या जो कि बहुत कम है और हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि क्राउड तो होगी ही और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड ये ट्रेन है। और देखते हैं अपना सफ़र कैसे तय करते हैं। तीसरे दिन लगभग सुबह में 3:30 बजे पहुँचेगी। जो कि 5:45 पर डिपार्चर किया, तकरीबन 5 मिनट डिले के साथ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 से ये ट्रेन खुल चुकी है। आपको बड़ौदा जंक्शन के बारे में आपको बताता चलूँ तो बड़ौदा जंक्शन में तकरीबन लगभग 385 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से 20 ट्रेन बढ़ने का 20 ट्रेन करने का भी बड़ौदा जंक्शन जो कि डिवीज़न है वेस्टर्न रेलवे का और यह गुजरात का डिस्ट्रिक्ट भी है, इसलिए बड़ौदा एक मेन स्टेशन है। और फाइनली हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। Thank you.
दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन नागपुर में आ चुकी है दोस्तों। राइट टाइम है 9:30 बजे करीब हमारी ट्रेन नागपुर में आ चुकी है और ट्रेन बहुत टाइम से ही चल रही है। मैंने इतना भीड़ था ट्रेन में कि मैं कंप्लेन करने के बाद कुछ रेलवे स्टाफ आए हैं और ट्रेन खाली करवा रहे। देखते हैं क्या होता है आगे, देखते हैं। देख लो कितना भीड़ बा। Yeah.
90% हो गया Thank you.
Thank you.
बढ़िया होता है, टिकट कराना मुश्किल है ना। उतरने के बाद हावड़ा स्टेशन आ चुका, क्योंकि टाइम नहीं मिला, लोकल तुरंत मिल गया। उसके आने के बाद डायरेक्ट मैं हावड़ा स्टेशन पर आ चुका हूँ। अभी 8:05 की ट्रेन है, इसको पकड़ना है। दोस्तों 4 घंटे ट्रेन लेट होने के बाद फाइनली जो है ओखा शालीमार एक्सप्रेस 7:30 बजे के आई थी आस पास, वो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आ चुकी थी। सतरागाछी में लेकिन उसके बाद तुरंत हमको ट्रेन मिल गया। तुरंत मैं अभी हावड़ा स्टेशन पर हूँ और उसके बाद देखते हैं और आगे का सफ़र अपना तय करेंगे। ट्रेन में आई थी क्या बोला जा सकता है, बिलासपुर तक ट्रेन सही आई, इसके बाद ट्रेन लेट होना चालू कर दी और इतनी लेट भी 4 घंटे लेट हो गई। अब बताइए दोस्तों क्या किया जा सकता है। खाना पीना का भी रेट वो भी इतना ही महंगा कि पूछने का नहीं, 150 रुपया प्लेट भेज खा ली। इसके बाद जो भी है ट्रेन का एवरेज ही था। अगर हम ट्रेन की अगर पंचुअलिटी मेंटेन करें तो 5 रेटिंग देते हैं, खाने के मामले में तो इसको 2 रेटिंग देना चाहिए, इतना महीने तो पूछने का नहीं। और बात बाकी जो भी चीज़ था सब ओके था, कोई तो प्रॉब्लम नहीं था। और इसका रिव्यू हम नहीं दे पाए दोस्तों, जो कि सतरा का चीज करने के बाद इसके बाद मैं तुरंत ही तुरंत ट्रेन मिलते गया और ये वर्तमान लोकल में मैं बैठ गया हूँ। तो इसलिए भागम दौड़ी के साथ में इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और ट्रेन के बारे में बात करी जाए तो ओखा शालीमार जो है वो भी इतना मतलब इतना भीड़ कि जिसकी आशा भी मैंने नहीं की। मतलब एक सीट पे मैंने मेरे सीट पे 2 आदमी हटाने के बावजूद भी बैठ गए और हट नहीं रहते। नीचे तो वॉशरूम जाने तक का भी हालत ख़राब हो गया था, एक दो जन तो वॉशरूम में भी खड़े थे। मतलब इतनी अवस्था ख़राब थी स्लीपर की, अब क्या बोला जाए दोस्तों। आदमी ढंग से ना वॉशरूम कर पा रहा था ना ढंग से अब
मैं सीट से उठता था तो उसको चार बार सोचना पड़ता था कि मैं कैसे जाऊँगा। तो सोच लीजिए दोस्तों कितना मतलब कष्टदायक ही जर्नी थी। और जो भी बोल सकते हैं, खाना भी वैसे ही महंगा, हर चीज़ वैसे ही महंगा अहमदाबाद से, क्योंकि कोलकाता आने का एक्सपीरियंस ही नहीं था दोस्तों। बहुत ही ट्रेन जो है बहुत ही मतलब बेकार कंडीशन, वॉशरूम का भी बेकार कंडीशन, और जितने भी अब रेलवे की इसमें दोष नहीं है, रेलवे अब उसमें जो आदमी है उसका दोष है, उसको ना ढंग से फ्लश करना, ना ढंग से मेंटेन करना, ना ढंग से साफ़ सफाई बरकरार रखना। अब रेलवे की कितना कंप्लेन करेंगे, जब तक आप सही से ढंग से अगर इसको नहीं चलाते, ढंग से नहीं देखते, तो आप रेलवे कितना कंप्लेन करेंगे। तो वही बात है, अब चक्रवर्ती है कि रेलवे लेट के मामले में इन दोनों का अवार्ड मिला हुआ है, और इतना ट्रेन यहाँ पे लेट करती है कि कुछ न करें। हम कितना बार बिलासपुर से आए हैं, ट्रेन यहाँ लेट करती है। तो दोस्तों यही है अब जर्नी का हाल चाल। खाने पीने तो वैसे भी हम ट्रेन में खाना खाते भी नहीं है, बहुत इमरजेंसी हो जाए तभी हम खाना खाते नहीं, तो रेलवे का हम खाना खाते भी नहीं है। 150 रुपये खा ली तो बताइए दोस्तों कितना महंगा है, और उससे कुछ नहीं रहेगा, इतना महंगा कि पूछने का नहीं। हर चीज़ को लेकर इतना मतलब ये है, टेंशन है कि क्या बोला जाएगा। तो रेलवे को इसमें सुधार करना चाहिए, और रेलवे को सोचना चाहिए, आम आदमी के बारे में भी सोचना चाहिए। वंदे भारत, दुरंतो, तेजस, ये सब तरीके से मिलेगा, आम आदमी के बारे में सोचना होगा दोस्तों। और स्लीपर में इतना भी कि पूछना चाहिए, तो इसीलिए रेलवे ध्यान दे, सब सुधार कर देगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों मैं अपनी यात्रा को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मेरे इस प्रयास को और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल ए सब्सक्राइब करें। 22905 की जर्नी इससे पहले मैंने दिखा दी थी, इसलिए इसको डिटेल वाइज मैंने कवर नहीं किया, इसको कुछ कुछ कवर किया था। तो एक ही जर्नी को बार बार क्या दिखाना, अगर दूसरी ट्रेन रहती तो वो जर्नी मैं दिखा देता, लेकिन सेम ट्रेन थी अहमदाबाद से शालीमार, सेम यात्रा थी, तो इसीलिए मैंने उतना कुछ दिखाया नहीं। लेकिन फिर भी जो भी कुछ हुआ मैंने दिखाने का प्रयास किया है, उसको आप लोग देखिएगा, और हमारे चैनल और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।